नमस्कार, मैं हूं दिनेश लाल यादव निरहुआ। आप देख रहे हैं UNN मीडिया। जा रही है तो भाजपा के साथ उन लोगों को भी गठबंधन करना चाहिए, भाजपा से हाथ मिला के अपने प्रदेश और अपने देश के विकास में सहभागिता उनकी सुनिश्चित होनी चाहिए। मैं तो यही चाहूंगा। इससे यादव समाज का कितना भला होगा? बहुत भला होगा। देखिए, बहुत यादव समाज इन दो युवा नेताओं पे बहुत बिलीव करता है, बहुत विश्वास करता है। इन लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि जिस तरह पूरे देश के सारे लोगों का विकास हो रहा है, तो आप अपनी जाति के लोगों को क्यों वंचित किए हुए हैं? तो आप हमारे साथ हैं संजय पांडे जी और संतोष पहलवान जी। यहाँ चूंकि माहौल फिल्मी नहीं है, इसलिए फिल्मी बातें नहीं होंगी, राजनीतिक चर्चा होगी। तो अभी खबर मिली है बिहार सरकार गिर गई है और बिहार में भाजपा समर्थित सरकार वापस आ रही है, उससे पहली प्रतिक्रिया क्या होगी आपकी? वहाँ का थोड़ा माहौल ही नहीं समझ में आता मुझे, बिहार कब सरकार आती है, कब जाती है, क्या हो रहा है। बट मुझे लग रहा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से सरकार बन रही है तो स्थायी और विकास वाली सरकार बनी है। आप आजमगढ़ के हैं, आजमगढ़ में किस तरह विकास कार्य हो रहा है? आजमगढ़ और उत्तर प्रदेश की बात तो आप भूल जाइए सर। जितना विकास हो रहा है, विकास की मतलब जिसे कहते हैं ना, शताब्दी एक्सप्रेस दौड़ रही है बिहार की। और अगर उत्तर प्रदेश में, बिहार में जब नीतीश जी शुरू में आए थे पहले टर्म में, तब ऐसा लगा था कि बिहार बदल जाए जो विकास हुआ था। उसके बाद ऐसा लगा कि सिर्फ सरकारें बदल रही हैं, विकास नहीं हो रहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, शायद बिहार की जनता भी महसूस कर रही होगी। खासकर कला संस्कृति को लेकर तो जो सोई हुई है सरकार बिहार की, कि न वहाँ के कलाकारों के लिए कुछ, न वहाँ पर एक भी नाट्य विद्यालय है, न ही सब्सिडी का मैटर है, कुछ नहीं वहाँ के कलाकारों के लिए वहाँ की सरकार ध्यान देती है। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि सरकार अगर बदल रही है तो कला और कलाकारों के लिए विशेष ध्यान दें। नीतीश जी और भारतीय जनता पार्टी के तमाम पदाधिकारियों से, नेताओं से मेरी गुजारिश है। संतोष जी, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं कहूँगा कि जिस तरह देश की राजनीति जा रही है, उम्मीद है कि बिहार सरकार भी जो बनेगी अगली, वो अब डबल इंजन वाली होगी, तो बिहार में भी अब विकास का पहिया दौड़ेगा। हम लोगों का यही मानना है। आप सपा समर्थित हैं ऐसा कहा जाता है, सोशल मीडिया पोस्ट देखने पे ही लगता है? नहीं, कभी नहीं। मैं किसी पार्टी का सपोर्टर नहीं हो सकता हूँ, क्योंकि मैं सरकारी आदमी हूँ। हाँ, कभी कभी कोई चीज़ किसी की अच्छी लगी तो मैं तारीफ करता हूँ, और मैं किसी के लिए ब्लाइंड सपोर्टर कभी नहीं रहा। आप अखिलेश यादव जी और तेजस्वी यादव के लिए क्या सलाह देना चाहेंगे वर्तमान माहौल में? ये मेरा निजी मानना या सलाह देना चाहूँगा मैं उनको, कि जिस तरफ देश की राजनीति जा रही है, तो भाजपा के साथ उन लोगों को भी गठबंधन करना चाहिए, भाजपा से हाथ मिला के अपने प्रदेश और अपने देश के विकास में सहभागिता उनकी सुनिश्चित होनी चाहिए। मैं तो यही चाहूँगा। इससे यादव समाज का कितना भला होगा? बहुत भला होगा। देखिए, बहुत यादव समाज इन दो युवा नेताओं पे बहुत बिलीव करता है, बहुत विश्वास करता है। इन लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि जिस तरह पूरे देश के सारे लोगों का विकास हो रहा है, तो आप अपनी जाति के लोगों को क्यों वंचित किए हुए हैं? तो आप भी उनके साथ जाइए और उनका विकास कराइए, उनका भला होगा। बहुत बहुत धन्यवाद तेजस्वी जी। और वो भाजपा से गठबंधन करना चाहिए। यादवों के हित के बारे में अगर सोचना है, तो जो इस समय राजनीतिक परिवेश है पूरे देश का, जो विचारधारा है, अलग थलग पढ़ने के बजाय शामिल होकर देश की तरक्की के बारे में सोचें। और अखिलेश जी के बारे में? उनके लिए भी मैं वही कहूँगा कि राजनीतिक विचारधारा को समझने की जरूरत है। पूरा देश जिस राजनीतिक विचारधारा की तरफ जा रहा है, आप रुकते नहीं जा सकते। अगर पूरे जो आपके पीछे है उनको अगर फायदा आप चाहते हैं, तो पूरे देश की राजनीति जिधर जा रही है उधर आप जाइए। और जिसके न्याय की बात कर रहे हैं, अखिलेश भैया हों या मैं, बिहार का तो मैंने नहीं बता सकता, यूपी का बता सकता, कि जिस लोगों को अखिलेश भैया सामाजिक न्याय दिलाना चाह रहे हैं, वो तो उनको वोट करता ही नहीं, तो किसको आप न्याय दिलाना चाह रहे हैं? तो मेरा मानना है कि जो आपको वोट करता है उसको तो न्याय दिलाइए, इस सरकार में जोड़ के उनको जो फायदा हो सकता है उनका विकास करवाइए। जी नमस्कार। आ गए नहीं, बाहर निकल गए क्या? बाहर निकल गए क्या? ठीक है, ठीक है, ठीक है।
थोड़ा फोटो मेरी खींच लीजिएगा। छोटा छोटा टेबल उधर रखे थे ना, वो यहीं मैं नहीं मंगा और पीछे लगा लेगा लो आने के लिए। ठीक है पत्रकार और पत्रकार और यही लोग तो ईमानदारी से एक बॉल ना पकड़ना, हम पूरा नोटिस करें 8 ओवर में इनके हाथ में एक गेंद आ रहा है, पेट से रोक गए पर पैरवा समारे चल जाओ बढ़िया फीचर हो ना। अरे उठी गए जो तब फीच रुकल अच्छा हार जाते एपिपेन क्या बोल रहे हैं ठीक ठाक। अरे आप इत्यादि रहेंगे ना पहलवान सर हम कल ही पहलवान से संतोष बोला ना कोई बाका हम कल तो हजम नहीं पेट खराब होती भगने तरफ जल्दी देर नहीं भगने तरफ हाँ कोहरा ना ठंडा लग रहा था। लखनऊ कब जी भैया? अभी तो कोई प्लान नहीं लखनऊ का, लखनऊ से बंद कर लिया हूँ ना। अच्छा नहीं बाकी यहाँ कौन है सब अलग में काम कर रहे हैं, बुलाऊंगा आमना को बुलाऊंगा चैनल में आमना के लिए चला जाए एक मिनट मस्त आया गाड़ी ये वाला गाड़ी है क्या?
कौन गाड़ी है? स्कॉर्पियो ऐसे चलना है ऐसे नहीं इधर जाएंगे ऐसे नाराज नहीं कोहरा इतना पड़ी कि कुछ दिखाई नहीं दी।